स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि असाधारण मामलों में ही अधिकारियों को हाजिर होने को कहा जाए, ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा एक SOP पेश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा एक SOP पेश की गई है जिसमें ये चीजें कही गई है और इसके साथ ही काफी सारे और भी बातें उनके द्वारा रखी गई है। क्या कुछ है इस SOP में, क्या कुछ पेशकश की गई है, विस्तार से जान लेते हैं। अब अदालतों में सुनवाई के दौरान सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी SOP तय करने के लिए एक मसौदा दाखिल किया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित SOP में सुझाव देते हुए कहा गया है कि इसका मकसद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक सौहार्द बढ़ाना है। ड्राफ्ट SOP में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के सामने पेशी के प्रावधान और कायदों का जिक्र है। सरकार का सुझाव है कि सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में ही व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने को कहा जाए, यानी अधिकारियों को अदालत में तलब करते समय अदालतें संयम बरतें। इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय ये भी हो सकता है कि अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल तौर पर पेश होकर अदालत के प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जाए, ताकि उनका रोजमर्रा के प्रशासनिक और जनहित के कामकाज हर्ज ना हो। साथ ही उनके दिल्ली तक आने जाने में लगने वाले समय, धन और श्रम की भी बचत हो सके। इसमें आगे कहा गया कि नीतिगत मामलों में कोर्ट अधिकारियों से सवाल पूछने के बजाय सीधे सरकार से जवाब मांग सकती है। अगर सरकार के आदेश को लेकर कोर्ट कोई स्पष्टता या सफाई चाहती है तो उसके वैधानिक पहलू पर भी बात करनी चाहिए। सरकारी वकील के कोर्ट में दिए बयान या दलील पर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू ना की जाए, उन्होंने कहा है कि इसके लेकर जो है अवमानना की कार्रवाई शुरू ना की जाए। साथ ही कोई भी जज अपने ही आदेश पर अवमानना की कार्रवाई की सुनवाई खुद ना करे तो उचित होगा। अदालतें अपने आदेश पर अमल करने के लिए सरकार को समुचित समय भी दे। आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा ये SOP डाला क्या? कुछ महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश का पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को हिरासत में भेज दिया था। हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े आदेश का पालन न होने के चलते यह सख्त आदेश दिया था। इसके बाद यह जरूरत महसूस की गई कि इस तरह के मामलों के लिए कोई मानक प्रक्रिया होनी चाहिए, ये जरूरी भी है। कई बार ये देखा भी गया है कि कोर्ट में पेश होने वाले अधिकारियों की वेशभूषा पर जज टिप्पणी करते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी वकील नहीं होते जिनके कोर्ट में पेश होने का ड्रेस कोड तय है। अगर सरकारी अधिकारी अपने पद के अनुरूप गरिमापूर्ण पोशाक में कोर्ट आया है तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में केंद्र के और क्या सुझाव है इस मामले में, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि जो विषय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उस पर अगर कोर्ट आदेश देती है तो किसी अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस तरह के आदेश के पालन में अधिकारी समर्थ नहीं होता। अवमानना की कार्रवाई का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए नहीं होना चाहिए कि उसके जरिए किसी विशेष आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा कि अवमानना के मामलों में दंड देने वाले आदेश के अमल पर तब तक रोक लगनी चाहिए जब तक ऊपर की अदालत अपील नहीं सुन लेती। कोर्ट में पेश SOP में केंद्र ने सुझाव दिया है कि नीतिगत विषयों पर अगर कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसके पालन के लिए सरकार को उचित समय दिया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि इस तरह के आदेश पर अमल की प्रक्रिया लंबी होती है, इसे कई स्तरों पर गुजरना होता है और इसीलिए सरकार की तरफ से समय मांगते हुए किए गए अनुरोध पर विचार भी होना चाहिए। ये बातें उनके द्वारा कही गई। इस SOP में ये भी कहा गया है कि अगर कोर्ट किसी मामले पर कमिटी का गठन करना चाहता है तो उसे सिर्फ ये कहना चाहिए कि कमिटी कितने सदस्यों की होगी, कमिटी के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी। कोर्ट को अपनी तरफ से सदस्यों के नाम नहीं तय करने चाहिए, नाम तय करने का जिम्मा सरकार को दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सोमवार 21 अगस्त को सुनवाई की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मामला पूरे देश से जुड़ा है और इसीलिए सभी हाई कोर्ट से भी सुझाव लिए जाएंगे।
तो ये बात उनके द्वारा कही गई है। ड्रेस कोड को लेकर कई बार मामले सामने आते हैं, ड्रेस कोड को लेकर चीज़ें कही जाती है, टिप्पणियाँ होती है, काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं वाद विवाद भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे में ये बात सुनिश्चित करके रखना कि किसी भी तरीके की परेशानी आम लोगों को ना हो। टिप्पणी जो है बहस जो है बेवजह पेशी पर बुलाने से भी जज बचे, क्योंकि उससे उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, जो काम है वो उस काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में ये बेहतर होगा कि जितनी ज़रूरत है और जब ज़रूरत है उस हिसाब से काम किया जाए, वरना सरकारी वकील अगर है तो उससे काम चला लिया जाए, ऐसा जो है केंद्र द्वारा सुझाव दिया गया है। सरकारी अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव पर विचार जो है कर रही है, और इसी के तहत जजों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ड्राफ्ट भी जो है तैयार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तावित भी किया गया है। इसके तहत जजों से कहा जाएगा कि वह बेहद अहम मामलों में ही सरकारी अफसरों को निजी और पेशी पर बुलाए। यही नहीं, इसके अलावा अफसरों को नोटिस देते समय यह भी बताने कि उनकी हाजिरी आखिर क्यों जरूरी है। यही नहीं, यदि संभव हो तो पेशी के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी देना चाहिए। हो सकता है कि उस टाइम शायद वो अवेलेबल ना हो पाए, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ केस हैंडलिंग है, ऐसे में पेशी के लिए उनके पास एक विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी होना चाहिए, ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। सरकार का ये भी कहना है कि उसने एक ऐसा प्रस्ताव इसलिए तैयार किया है ताकि अदालत की अवमानना के मामलों को सीमित किया जा सके। हो सकता है कि सिचुएशन अलग हो और ऐसे में एक अदालत की अवमानना के मामले सामने आते हैं और सामने वाले की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सरकारी अफसरों के वक्त की बर्बादी को भी रोकना इसका एक अहम आप कह सकते हैं कि मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो मामला सामने आया उसमें दो अफसरों को हाईकोर्ट में पेश ना हो पाने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की गई थी। इसके तहत हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया था, और इसी को मद्देनजर सरकार जजों के लिए SOP जो है तैयार कर रही है, ताकि इस तरीके के इंसिडेंट या इस तरीके की कोई परेशानी आगे चलकर ना हो और इस अवमानना का मामले के वजह से किसी वरिष्ठ अधिकारी को अपनी नौकरी ना खोनी पड़े या जेल ना जाना पड़े। सरकार की ओर से तैयार SOP का ड्राफ्ट अदालत को सौंपते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालयों में अहम मामलों की ही तलब करना चाहिए, और ऐसा तभी होना चाहिए जब पॉलिसी से जुड़े मामले में उनकी जरूरत हो या फिर अवमानना का ही केस हो। यदि नहीं तो उन्होंने अदालत के अफसरों को अपमानित किए जाने की घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सही ड्रेस ना पहनने होने की वजह से बताते हुए भी अफसरों को अपमानित किया जाता है, और ये पूरी तरीके से गलत है। कोई भी अफसर अदालत का कर्मचारी नहीं है, ऐसे में उनकी ड्रेसिंग पर सवाल नहीं उठने चाहिए। वो कोई वकील नहीं है, ना ही वो कोर्ट से जुड़ा है, तो उनकी ड्रेसिंग पर भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आगे से ध्यान रखना चाहिए। तो अफसरों पर जजों को टिप्पणी भी ना करने की नसीहत जो है दी गई है। तो ये काफ़ी कुछ इस SOP में लिखा गया है और जिसे प्रस्तावित भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि हमने कहा कि DY चंद्रचूड़ जो है इस मामले की सुनवाई आने वाले टाइम में सोमवार को करेंगे और इस पर अपना जो है बात या फिर अपनी रुख जो है स्पष्ट करते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में SOP दायर की गई है और इस SOP में क्या कुछ कहा गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।